Assalamu alaikum students. Today our running topic is Bahu Fort, class 7th English. So let's start to read the other part of a Bahu Fort. A majestic garden known as Bagh Bahu with extensive lawns. Ek purshikwa garden जिसमें कोई शक न हो, known as बागे बाहु, उसको बागे बाहु कहते हैं, with extensive lawns, उसका एक बहुत बड़ा lawn है, extensive lawns है, beautifully filled with flowers, यानी बड़ी खूबसूरती से भरा हुआ है फूलों से और पौधों से and plants पौधों से, is a favorite picnic spot, एक मशहूर picnic spot है why surrounding the Bahu Fort ki ird gird the garden has all types of attractions bag ki tamam bag mein tamam kisam ki attractions hain ranging from plants yani zidgiri mein plants shrubs big trees bade drakhat jhaadiyan paude flowers phools and waterfalls aur pani ke jharne the fort has become a major tourist attraction and a favorite picnic spot is kille mein yani fort kille mein has become killa jo hai has become a major tourist attraction ye ban gaya hai ek bada tourist attraction and a favorite picnic spot aur picnic spot मशहूर पिकनिक स्पॉट द मेला बाहु फोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल एंड इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मेला बाहु फोर्ट एक मशहूर मेला है मशहूर त्यौहार है जो मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल यानी मार्च अप्रैल के महीने में द फेस्टिवल इज़ वेरी अ कलरफुल इवेंट during which large numbers of people visit the temple in the Bahu Fort to seek divine blessings in ye mela jo hai is very a colorful event iske andar bahut rangeen event hote hain during which large number of people iske duran bahut sare log lambi tadad mein log विज़िट द टेम्पल मंदिर जाते हैं इन द बाहु फोर्ट जो बाहु फोर्ट के अंदर है टू सीक डिवाइन ब्लेसिंग्स और देवी देवताओं से वो अपनी मन्नतें मांगते हैं उसकी पूजा करते हैं देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स एंड ईटेबल्स फॉर किड्स एंड अडल्ट्स वहाँ तमाम किस्म की एंटरटेनमेंट होती है एंड ईटेबल्स फॉर किड्स एंड एडल्ट्स और बच्चों के लिए खाने का सामान बड़ों के लिए बच्चों के लिए वन कैन हैव लोकल आइसक्रीम्स कुल्फी मलाई बर्फ शुगर केन जूस गोलगप्पे आलू छोले कचालू जलेबी एट्सेट्रा यानी ऐसी ऐसी चीज़ें वन कैन हैव लोकल आइसक्रीम्स एक के पास लोकल आइसक्रीम हो सकती है मलाई बर्फ शुगर कैन जूस यानी गन्ने का रस गोलगप्पे आलू छोले कचालू जलेबी वगैरह वगैरह थ्री देर आल बैलून्स एंड कॉटन कैंडी बैलून्स भी वहाँ पे होते हैं और कॉटन कैंडी भी होती है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन खासकर बच्चों के लिए मंकी वालाज एंड स्नैक चैमर्स प्रोवाइड ग्रेट एक्साइटमेंट टू चिल्ड्रन मंकी यानी बंदर वाला और स्नैक चैमर्स प्रोवाइड ग्रेट एक्साइटमेंट वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यानी लुत्फानंदोज वाला सामा पेश करते हैं सो स्टूडेंट्स Our topic is end. We will do exercise in next class. Thanks.